नमस्कार। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चुनाव नजदीक है और चुनावों से पहले कभी ईवीएम से छेड़छाड़ तो कभी वीवीपैट की पर्चियों का मुद्दा उछाला जा रहा है। जी हाँ, ईवीएम के साथ दिए गए वोट को देखने के लिए लगाए जाने वाली वीवीपैट मशीन फिर से चर्चा में है। विपक्ष चुनावों को और पारदर्शी बनाने के लिए वीवीपैट मशीनों की पर्चियों को वोटर्स को देने की वकालत करता है, जबकि चुनाव आयोग इसके खिलाफ है। आयोग का कहना है कि अगर सारे चुनाव में वीवीपैट की पर्चियों को हर वोटर को देना शुरू कर दिया जाएगा तो फिर पुराने समय में बैलेट पेपर और ईवीएम के साथ होने वाले चुनावों में क्या फर्क रह जाएगा? हम फिर से पुराने युग में लौट जाएंगे। इसमें वोट देने और वोटों की गिनती करने में एक लंबा समय लगता है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये मांग कितनी जायज है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वीवीपैट है क्या। तो जी हाँ, आपके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि वीवीपैट क्या है। वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जो चुनाव के समय ईवीएम मशीन के साथ कनेक्ट की जाती है। कनेक्ट करने के लिए इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि इससे वोटर अपने पसंद की पार्टी और उम्मीदवार को दिए गए वोट को डबल चेक कर सकता है। आप में से कितने लोगों ने वोट देते समय इस पर गौर किया है या नहीं, लेकिन जब वोटर अपने कैंडिडेट या पार्टी को ईवीएम में बटन दबाकर वोट देता है तो वीवीपैट मशीन एक पर्ची को जनरेट करती है जो 7 सेकंड तक किसी भी वोटर को वीवीपैट मशीन में लगे मिरर बॉक्स में दिखाई भी देती है। इसके बाद वो स्लिप वहां से ऑटोमेटिकली कट कर वीवीपैट मशीन के अंदर ही गिर जाती है। यानी उस पर्ची में वोटर के द्वारा दिए गए वोट पर उसके उम्मीदवार का नाम और निशान छपा होता है। वीवीपैट का मकसद ये होता है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव होने के बाद ऐसा आरोप लगाता है कि ईवीएम से वोट में कोई गड़बड़ी की गई है तो तमाम पर्चियों का उस विधानसभा या लोकसभा के लिए ईवीएम में पड़े वोट से मैच कराया जाता है और जब दोनों वोट मैच हो जाते हैं तो उस चुनाव को वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस पर जिस भी चुनाव के समय विपक्ष में होता है उसे हमेशा ये लगता है कि इसमें किसी ना किसी तरह की धांधली हुई। इसलिए विपक्ष की हमेशा से मांग रहती है कि वीवीपैट की सभी पर्चियां ड्रॉप होने की जगह वोटर्स को मिलनी चाहिए और जब वोटर ईवीएम में दिए गए वोट से संतुष्ट हो जाएगा तो वो खुद उस पर्ची को वहीं एक बॉक्स में डाल देगा ताकि अगर इसके बाद भी कोई कैंडिडेट किसी तरह की धांधली होने की शिकायत करता है या फिर कोर्ट में जाता है तो उसका मिलान कराया जा सके। यानी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि वीवीपैट में अभी जो पर्ची जनरेट होती है वो तुरंत वहीं कटकर मशीन के अंदर ना जाए बल्कि वोटर्स को मिले। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। पर विपक्ष की इस बात पर चुनाव आयोग सहमत नहीं है और ऐसा करने के पीछे चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि 2017 से वीवीपैट का इस्तेमाल 100% होना शुरू हो गया है। पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें हर असेंबली एरिया के 5 पोलिंग स्टेशंस को रैंडमली चुनकर वीवीपैट की सभी पर्चियों का ईवीएम में पड़े वोट के साथ मिलान कराया जाता है। अगर कैंडिडेट शिकायत करता है तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वे पूरी विधानसभा या फिर जरूरत के मुताबिक लोकसभा सीट पर पड़े सभी वोटों को 100% वीवीपैट की मशीनों के साथ मिलान कराने का आदेश दे दे। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग और आयोग के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत का कहना है कि देश भर में 2017 के बाद से एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जिससे ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपैट की पर्चियों के रिजल्ट अलग अलग आए। आपको बता दूं कि 2017 में गोवा में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 4 विधानसभा सीटों पर पड़े वोट में गड़बड़ी की शिकायत की गई। इन चारों सीटों पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी करवाया गया था और चारों के रिजल्ट सही निकले। ऐसे में ओपी रावत का कहना है कि अगर आज के दौर में भी सारी ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाने लगा तो ईवीएम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उनका कहना यह भी है कि ऐसा किया जाने से देश में फिर से बैलेट पेपर का युग लौट आएगा। आज भारत में वोटों की गिनती होने के कुछ ही घंटे में रिजल्ट आपके सामने होता है जो दुनिया के सबसे जल्दी और तेज रिजल्ट देने वाला है। हालांकि शुरुआत में 489 पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट पर्चियों के मिलान की बात हुई थी। आयोग को ये कम लगे थे। आयोग ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र का कम से कम एक पोलिंग स्टेशन वीवीपैट की पर्चियों से मिलाया जाएगा, पर इसके बाद ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता गया और ये 4300 से भी पार पहुंच गया। बाद में कुछ पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई।
कोर्ट ने एक विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग स्टेशन की जगह हर विधानसभा के 5 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान कराने की बात कही। अब पूरे देश में आम चुनाव के लिए बने 10,50,000 पोलिंग स्टेशन में 21,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कराया जाता है। आज तक एक भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट ईवीएम और वीवीपैट में अलग अलग नहीं निकला है। ऐसा मैं नहीं बल्कि चुनाव आयोग कहता है। तो क्या वीवीपैट जैसा मुद्दा सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए समय समय पर उठाया जाता है? क्या जो विपक्ष की मांग है अगर वो पूरी कर दी जाए तो इसके बाद किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चुनावों के समय व्यावहारिक मुद्दों पर बात की जाए जिससे सही मायने में समाज और देश को बदला जा सकता है? आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।